दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने एक बार फिर। दोस्तों वैदिक ज्योतिष और निमरनों में क्या फर्क है ये आप सब जानते हैं। वैदिक ज्योतिष में 2.5 लाख से 3 लाख युक्तियां होती हैं, न्यूमरोलॉजी के अंदर 81 युक्तियां होती हैं। आधार क्या है? 9 ग्रह हैं और 9 × 9 = 81, 9 ग्रहों का प्रभाव से हम न्यूमरोलॉजी को जानते हैं। वैदिक पूरा का पूरे इतिहास है, मतलब पूरा मोटा ग्रंथ, और न्यूमरोलॉजी एज ए नोट्स। पहले ये समझो, कुछ लोगों के दिमाग में है कि न्यूमरोलॉजी खराब है, बेकार है। दोस्तों एक बात जीवन में याद रख लेना, गलत संसार में कुछ भी नहीं है, गलत है तो आप हैं जो आपको उसका ज्ञान ही नहीं है। आप पहले उसके ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें। संसार में कोई चीज गलत नहीं है, वो आपके मतलब की है तो आपको अच्छी लगती है और आपके मतलब की नहीं है तो आपको बुरी लगती है। मैं न्यूमरोलॉजी के अंदर ऐसी ऐसी बातें बता के आपको आज कार्यान्वित करूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में न्यूमरोलॉजी क्या है। दोस्तों अक्सर हम लोग कहते हैं हमारे अंदर जो आत्मा है क्या वो शुद्ध है? ये कभी किसने सोचा? हम जी रहे हैं लेकिन हमारी आत्मा पवित्र है? मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि मैं ये जानता हूं, जब चर्चा होती है तो कुछ भी नहीं जानता। कुछ लोगों का बोलने के ऊपर अधिकार होता है, करने पे नहीं। तो आज मैं सोल आत्मा के ऊपर आपको विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं। सोल आत्मा क्या है? दोस्तों अगर आपके आत्मा पवित्र है तो आपके जीवन में हर कार्य अच्छा और सक्षम और निपुण होगा। आपके बर्थ चार्ट में है या नहीं, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, ये सारे के सारी बातें हमें देखनी पड़ती हैं। बर्थ चार्ट देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, आप बर्थ चार्ट में सारे नंबर भरे पड़े हैं, आप कह रहे मेरे चार्ट बहुत अच्छा है, आप कह रहे मेरे ड्राइवर नंबर बहुत अच्छा है, आप कह रहे मेरे पास कंडक्टर नंबर भी अच्छा है, फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। दोस्तों यही तो सच की बात है, जब तक आपकी आत्मा पवित्र नहीं है तो आपका पास सब कुछ अच्छा हो वो सारा व्यर्थ है। हम ज्योतिष सीख लेते हैं, गलत तरीके से ज्योतिष सीखते हैं, चीटिंग से ज्योतिष सीखते हैं, चीटिंग से कस्टमर को करते हैं, लेकिन यदि हमारा चीटिंग के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो जीवन में हम सफल नहीं हो पाते। हमारी हर प्रोडक्शन सही जानते हुए भी हमारे मुंह से गलती होती है, ये मैं आपको बातें बताना चाहता हूं। हम मेहनत करते हैं, हम कहते हैं मैं मेहनत करता हूं, मेरे साथ का व्यक्ति था बहुत मेहनती था और मेरे से कम जानता था, मैंने उसे पढ़ाया था, फिर भी वो कामयाब है, ऊंचाइयों पर है। क्या आप उसकी सोल के बारे में जानते हैं? वो कितना पवित्र है? तुम्हारे साथ था तो क्या हुआ, लेकिन था तो पवित्र, तुमसे अच्छा था इसलिए वो महान बना और तुम वहीं के वहीं गड्ढे में पड़े हो। इसके पीछे एक ही कारण है कि हमारी नकारात्मक सोच। जब तक हमारी लगन नहीं होगी एजुकेशन के अंदर, जब तक हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि आपने सुना होगा एक ऐप है एस्ट्रो टॉक, उस पर मैं वर्किंग भी करता हूं, मेरे से कोई कंसल्टेंसी ले सकता है और लोकल मीन्स पर्सनल कंसल्टेंसी से मैं सस्ता पड़ता हूं, लेकिन सेवा भाव से मैं वो कार्य जरूर करता हूं। और किसी को ज्योतिष की जानकारी है और एस्ट्रो टॉक में एडमिशन लेना चाहता है तो मुझसे संपर्क करें, मैं उसका इंटरव्यू दिलाऊंगा। अगर इंटरव्यू में पास हो जाएगा तो उसे पैसे कमाने का तरीका बता दूंगा, वह ईमानदारी से घर बैठा बैठा पैसे कमाएगा, मेल हो या फीमेल। अब आई बात 16 दोस्तों, मेरे पास 492 है, बहुत तेज दिमाग है, 816 भी है, बहुत प्रैक्टिकल है, और 357 भी है, आध्यात्मिक भी है, लेकिन सारे के सारे नंबर होने के बावजूद भी हर नंबर की अपनी अपनी एक एफिशिएंसी होती है। अगर आपके पास हथियार है उसके अंदर गोली नहीं है तो हथियार कैसे चलाओगे आप? और आपके पास हथियार भी है गोली भी है और चलाने वाला कमजोर है तो कैसे चलाएगा उसे? तो सोल आत्मा को ढूंढने का प्रयास करो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। रोक ले दोस्तों, मैं मेहनत भी बहुत करता हूं, लगनशील भी बहुत हूं, भला भी बहुत करता हूं,
लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं आते। मैं 20% 30% 40% ही जीवन में कामयाब था। अब मैंने इसका जब एक अनुभव किया और देखा कि सोल आत्मा के बारे में जानना चाहिए। सोल आत्मा क्या है? हमारी न्यूमरोलॉजी के अनुसार, लाल किताब के अनुसार, वेदिक के अनुसार, मैं आपको दोनों तरीके से बताना चाहता हूं, तीनों सब तरीकों से बताना चाहता हूं, ज्योतिष का ही आधार बताना चाहता हूं। ज्योतिष का आधार है ब्रह्म स्थान, 5 नंबर। यदि आपके पास 5 नंबर है तो आप जीवन के सफल व्यक्तियों में से हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा शार्प होगा और आप जहां से खड़े हो जाएंगे वहीं से लैंड की शुरुआत कर देंगे और आप जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। और किसी कारण से आपके पास 5 नंबर नहीं है, आपको सारी की सारी परेशानियां शुरू हो जाएंगी, आपको सारी बीमारियां लग जाएंगी। वात पित्त कफ 5 नंबर से देखा जाता है, 5 नंबर नहीं है तो उसे तीनों वात पित्त कफ तीनों को रोग उत्पन्न होगी, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, उसकी आवाज ठीक नहीं होगी, उसका कॉन्फिडेंस ठीक नहीं होगा, वो किसी से वादा नहीं करेगा, वादा करेगा होगा तो उसे पूरा नहीं करेगा। अगर 5 नंबर नहीं है, आप ध्यान रख लेना अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, अपनी अपनी कुंडलियां निकाल के बैठ जाओ, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लो। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ भगवान का वरदान है, मेरा या आपका नहीं, ना इसे हम खरीद सकते हैं ना इसे हम बेच सकते हैं। अगर 5 नंबर नहीं है तो आप चलते काम को रोक देंगे। अगर आपने किसी को उधार दे दिया तो उधार पैसा वापस नहीं मिलेगा, आप में हकलाने की प्रवृत्ति होगी, आप में एडमिनिस्ट्रेशन की पावर नहीं होगी, आप काम को शुरू करने का तो आप में जोश होगा पर वो बीच में छूट जाएगा, समापन करने की स्थिति नहीं होगी। अगर किसी महिला का 5 नंबर मिस है तो उसका एबॉर्शन हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, उसे उसके बच्चे सर्जन हो सकते हैं, ऐसी कोई भी समस्या हो सकती है 5 नंबर ना। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? 5 नंबर सेंटर पॉइंट है, ये 2 नंबर को भी मैच्योर करता है, 2 नंबर को भी एनर्जी देता है, 7 को भी एनर्जी देता है, 6 को भी एनर्जी देता है, 1 को भी एनर्जी देता है, 3 को भी एनर्जी देता है, 4 को भी और 8 को भी। तो इसलिए 5 नंबर हमारी एक सोल आत्मा है। अगर हमारी कुंडली के अंदर 5 नंबर नहीं है तो हम व्यापार भी नहीं कर सकते। व्यापार करने का तरीका भी 5 नंबर सिखाता है। 5 नंबर मिस बुध, लाल किताब भी बोलती है बुध चंगा तो फिर कहे को है दंगा, तो बुध अच्छा है तो सारे काम अच्छे। और ऐसे ही वैदिक में कहते हैं अगर 10वें स्थान पे बुध है या 4थे स्थान पे बुध है तो बड़ा अच्छा होता है। तो बुध का एक अपने आप में नंबर 1 सोल आत्मा, नंबर 2 दूसरी सोल आत्मा के बारे में जो बताना मैं चाह रहा हूं, 6 नंबर शुक्र ऐश्वर्य। जीवन का ऐश्वर्य कहां से मिलेगा? जीवन का भोग विलास कहां से मिलेगा? जीवन के सुख कहां से मिलेंगे? मां का सुख कहां से मिलेगा? पत्नी का सुख कहां से मिलेगा? मित्र का सुख कहां से मिलेगा? ये सब के सब 6 नंबर से देखे जाएंगे। अगर 6 नंबर नहीं है आपके पास तो आपके इस सोल आत्मा में ये परेशानियां आ जाएंगी। और जब आप इन सुखों से वंचित हो जाएंगे, आप पे धन कितना भी हो आपको सब व्यर्थ दिखाई देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 6 नंबर वीनस का होता है। जितने भी नंबर 1 से 9 तक हैं तो सब में बड़ा जो पावरफुल नंबर है 6 है। मां इज्जत धन संतान शादी रिलेशनशिप का कारक है। आज कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है तो 6 नंबर का होना जरूरी है। यदि आपकी कुंडली में 6 नंबर नहीं है तो आप प्रेम में सफल नहीं हो पाएंगे और शादी में रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। आपके बर्थ चार्ट में बहुत बड़ी चीज मिस हो गई। अगर 6 नंबर मिस हो गया तो आपको ये सारी परेशानी आ गई और 6 नंबर है तो ये सारी सुख सुविधाएं मिल गई और हम कहेंगे कि कल तक ये मेरे साथ था, ये खुश है और मैं दुखी हूं क्योंकि हमारे पे सोल आत्मा नहीं है। और मैंने अभी आपको बताया 5 नंबर के बारे में मैं बता ही चुका हूं। 5 नंबर हर चीज हर बैलेंस बनाकर रखता है। बैलेंस जैसे मकान का बैलेंस, हमारा बैलेंस, उसके लिए 5 नंबर का होना अच्छा है। इससे अवार्ड तो बहुत मिलते हैं, अगर अवार्ड बहुत मिल जाएंगे लेकिन रिवार्ड मिलने के लिए 5 नंबर का होना जरूरी है। क्रिस्टल धारण करें, ब्रेसलेट के रूप में क्रिस्टल की माला आप धारण करेंगे तो 5 नंबर का आपका सशक्त और ठीक हो जाएगा। 5-6 नंबर मिस हैं तो बर्थ चार्ट वीक हो जाता है। 5 और 6 नंबर नहीं है तो पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं होते। 6 नंबर नहीं है तो पति पत्नी एक दूसरे के कारक नहीं होते। 6 नंबर मिस है तो उसके अदर्स रिलेशन भी हो सकते हैं।
तो दोस्तों मैंने आपको सोल आत्मा के बारे में बताया, सोल आत्मा क्या है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको कंसल्टेंसी करवानी है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे यहां पे क्लासें भी चलती हैं, 5 तारीख से मेरा नया बैच चालू होने जा रहा है, यदि आपको किसी को भी इन सब चीज की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकता है। आपको शादी का मैचिंग करवाना है तब भी मुझसे संपर्क कर सकता है। एक वीडियो देख के मेरे चैनल पे और वीडियो देखे दोस्तों, समय लगता है, बातों में मत आए, वास्तव में विश्वास करें। कोई किसी का भला नहीं करता, भला करने वाला परमात्मा होता है। हम भी एक मार्गदर्शक हैं, सलाहकार हैं, हम भी आपका भला नहीं कर सकते, आपको सलाह दे सकते हैं। भाग्य ही आपका करेगा, कर्म भी आपका होगा, कर्म आपको ही करने हैं। कर्म कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा है, मैं सारथी हूं, युद्ध तो तुम्हें ही करना है। अर्जुन, मैं सारथी हूं, युद्ध तो तुम्हें ही करना है। इसी तरह संसार में हम ज्योतिषी लोग आपको सलाह दे सकते हैं, लेकिन आपका भला नहीं कर सकते। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लगाता हूं। नमस्कार।